बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा कल का हमारा लेक्चर का एंड हुआ था ऑर्गन्स पर। अब बेटा ये डिफरेंट ऑर्गन्स जब आपस में असेंबल होते हैं तो एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, जबकि प्लांट के अंदर ऑर्गन्स जब असेंबल होते हैं तो पूरे का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। रिमेंबर दैट ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लांट में बहुत लेस डेफिनेट है। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल सिर्फ दो ही सिस्टम्स हैं, एक रूट सिस्टम तो एक शूट सिस्टम। लेकिन बेटा एनिमल्स के अंदर ढेर सारे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम्स हैं बेटा एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स में ऑर्गन्स जुड़ेंगे तो पहले सिस्टम्स बनाएंगे, लेकिन प्लांट्स में ऑर्गन्स जुड़ने से डायरेक्ट इंडिविजुअल बन जाएगा। तो पता ये लगा कि इंडिविजुअल में एनिमल्स के अंदर इंडिविजुअल बनाने के लिए पहले हमें ऑर्गन सिस्टम बनाना पड़ेगा और फिर ऑर्गन सिस्टम से हमें जाना पड़ेगा इंडिविजुअल में, जबकि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स जुड़ते साथ ही पूरे का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है क्योंकि उसमें बड़े चंद ऑर्गन्स हैं। अब देखते हैं हमारी बुक क्या कहती है। तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। डेफिनेशन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रिमेंबर दैट ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस, डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दीज आर डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस दैट इज रिलेटेड टू डाइजेशन। So these organs performing related functions are organized together to form organ system. To make what? Organ system. अब जैसा कि मैंने अपने बच्चों को ये फोटोग्राफ में बार बार दिखा रहा हूं कि इसमें अगर आप देखें तो बेटा यहां से शुरू होना है, इधर से एसोफेगस, then stomach, then small intestine, then large intestine. So all these organs which are related to digestion are put together to make digestive system. To make what? Digestive system. So in an organ system, each organ carries out its specific function. Har organ apna apna specific function karta rahega. और उस सिस्टम के तमाम ऑर्गन्स के फंक्शन को अगर हम सम कर देंगे, सम अप कर देंगे, इफ ऑल द फंक्शंस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स आर पुट टुगेदर, अगर तमाम फंक्शंस को हम सम अप कर दें तो फंक्शंस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स अपीयर एज द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन सिस्टम। तो बेटा डायबिटिक पेशेंट को न्यूरोपैथी हो जाती है, उसकी नर्व डैमेज हो जाती है। तो मैं भी डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज है पिछले 15 सालों से। तो डॉक्टर साहब मेरे पांव और हाथ जलते रहते हैं, फीलिंग होती है जैसे किसी ने गर्म पानी फेंक दिया ऊपर। तो डॉक्टर साहब क्या मसला है? तो डॉक्टर ने कहा आपकी नर्व डैमेज हो गई, नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया। तो मैं डर गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा ब्रेन डैमेज हो गया। कहने लगे नहीं ब्रेन नहीं। मैं कहा डॉक्टर साहब मेरा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया। कहते वो भी नहीं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर क्या डैमेज हुआ? तो कहने लगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्लस नर्व्स। तो नर्व के अंदर आपके थोड़ा बहुत डैमेज कर रहा है, शुगर ज्यादा होने की वजह से वहां पर डैमेज हो रहा है। तो पता ये लगा कि ऑर्गन सिस्टम था ना मेरा, नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड था और नर्व थी। तो पता लगा कि ऑर्गन सिस्टम में मेरा पूरा सिस्टम डैमेज नहीं हुआ,
लेकिन उस सिस्टम का एक ऑर्गन जब डैमेज हुआ तो पता लगा कि फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम मेरा डिस्टर्ब हो गया। तो एक सिस्टम के अंदर अगर एक ऑर्गन भी मैल फंक्शन हुआ तो उस सिस्टम के फंक्शन पर असर पड़ेगा। Got it? तो फॉर एग्जाम्पल यहां आई कि फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं विच आर मेकिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेरे बच्चों मेजर ऑर्गन्स इन इट्स फ्रेमवर्क आर ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कहते हैं बेटा माउथ को, जिसमें दांत है, जुबान है, पैलेट है, यानी के तालू। तो बेटा इसके अंदर आती है नंबर वन ओरल कैविटी हमारा मुंह, नंबर टू स्टमक, नंबर थ्री स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर फोर लार्ज इंटेस्टाइन, नंबर फाइव लिवर एंड पैनक्रियास। सो दीज आर द ऑर्गन्स विच विल असेंबल टुगेदर टू मेक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल ऑफ दीज ऑर्गन्स हैव रिलेटेड फंक्शंस that is related to digestion, related to digestion. All these organs help in the process of digestion, so they make digestive system. The organ system level is less complex in plants. I told you ke organ system level less complex hai plants mein. तो प्लांट्स में बस दो ही सिस्टम्स हैं, दैट इज रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम, बस। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स। बेटा दिस लाइन, इस लाइन को नोट कर लें, ये तकरीबन हर बोर्ड के पेपर में ये आया हुआ होता है कि विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लेस डेफिनेट या लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स। तो उसका आंसर होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स। एग्जाम्पल रूट सिस्टम, ठीक। तो एज कंपेयर्ड टू एनिमल्स, अब एनिमल्स में अगर मैं कंपेयर करूं एनिमल्स में, तो एनिमल्स में सिस्टम लेवल्स काफी कॉम्प्लेक्स हैं। तो एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स सिस्टम लेवल्स हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम लेवल्स हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? तो इसकी वजह यह हो सकती है कि इट इज ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस। एनिमल्स की बॉडी के फंक्शंस बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं। एनिमल्स के फंक्शंस और एनिमल्स की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं एज कंपेयर्ड टू दोज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ये एडवांसमेंट नहीं है। तो ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इन एनिमल्स है रादर इन प्लांट्स, जबकि प्लांट्स में कम है, ठीक मेरा बच्चा। तो दैट वॉज ऑर्गन सिस्टम लेवल। रिमेंबर दैट के चैप्टर नंबर वन में से बोर्ड लाजमी है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सॉरी ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये पॉइंट नंबर फाइव एंड पॉइंट नंबर सिक्स, ये दोनों मिलाकर मेरे बच्चों ने लिखने होते हैं। तो इसमें कोई पॉइंट आप मिस नहीं करोगे, तब जाकर आपको फुल मार्क्स देगा एग्जामिनर। गॉट इट? तो आपने ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है फॉर लॉन्ग आपने तैयार करने हैं। तो लॉन्ग के लिए आपने ये तैयार करने हैं ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब जनाब आया इंडिविजुअल लेवल। कौन सा लेवल? इंडिविजुअल लेवल। तो मेरे बच्चों इंडिविजुअल लेवल में, इंडिविजुअल मैंने आपको कहा था कि जब हम ऑर्गन सिस्टम्स को इकट्ठा कर देंगे, जब हम नर्वस सिस्टम, हम ये डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इसके अलावा वैस्कुलर सिस्टम यानी के जो हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जब हम इन सब को
इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास एक इंडिविजुअल बन जाएगा, दैट इज एक मुकम्मल फर्द। ये है एक मुकम्मल फर्द, एक मुकम्मल इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल जो है, ये जो इंडिविजुअल है इसके अंदर सारे सिस्टम्स को हमने जोड़ दिया है, सारे सिस्टम्स को हमने जोड़ दिया है। तो जनाब डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स, अगर हम ऑर्गन्स को जोड़ दें तो प्लांट का इंडिविजुअल बन जाता है, लेकिन अगर हम ऑर्गन सिस्टम्स को जोड़ें तो एक एनिमल का इंडिविजुअल बन जाएगा। तो याद रखें ऑर्गन्स का वर्ड प्लांट्स के लिए है, जबकि ऑर्गन सिस्टम्स का जो वर्ड है इट इज यूज फॉर द इंडिविजुअल ऑफ द एनिमल। सो बेटा डिफरेंट ऑर्गन्स आर पुट टुगेदर टू मेक प्लांट, वेयर एज डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, एंड इंडिविजुअल इज ऑल्सो सेट टू बी ऑर्गेनिज्म। अब वो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एक कंप्लीट, एक होल ऑर्गेनिज्म है। इंडिविजुअल इज अ होल ऑर्गेनिज्म, एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म है जी। इंडिविजुअल एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म है। इन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दी फंक्शंस, उसके फंक्शंस और उसके प्रोसेसेस और उस इंडिविजुअल की एक्टिविटीज असल में उस इंडिविजुअल में मौजूद ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की इकट्ठी, मतलब तमाम ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। मैं जिम जाया करता था तो मैंने डॉक्टर को बताया, मैं क्या डॉक्टर साहब मैं शुगर पेशेंट हूं तो मैंने जिम ज्वाइन किया है। कहने लगे अच्छा तो आप जिम में क्या करते हैं? मैंने कहा आज मैंने अपने सिर्फ आर्म्स की एक्सरसाइज की है, कल मैं सिर्फ अपनी लेग्स की एक्सरसाइज करूंगा, परसों मैं सिर्फ अपने एब्डोमिन अपने पेट की एक्सरसाइज करूंगा। तो डॉक्टर हंस पड़ा, डॉक्टर ने कहा अफजल साहब आप इस तरह करें, आप सिर्फ वॉक किया करें, आप जिम मत जाएं। मैं कहा सर वॉक करने से क्या होगा? तो कहने लगे कि जब आप वॉक करेंगे और वो भी तेज वॉक, तो कहने लगे व्हेन यू विल बी एंगेज्ड इन कॉन्टिन्यूअस एंड हार्ड एक्सरसाइज, तो फिर आपके बाजू, आपकी टांगें, आपका एब्डोमेन, आपके तमाम सिस्टम्स एक साथ, कोऑर्डिनेशन का मतलब एक साथ पूरी की पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी अगर आप आधा घंटा रोजाना वॉक करें तो। मैं क्या सर दोबारा बोलिए? कहने लगे इफ यू विल बी एंगेज्ड इन कॉन्टिन्यूअस और हार्ड एक्सरसाइज दैट इज ब्रिस्टल वॉकिंग, तेज तेज वॉक करेंगे तो नॉट ओनली योर मसल्स आर वर्किंग, जबकि देयर विल ऑल्सो इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पायरेशन, मतलब आपके लंग्स भी बेहतर काम करेंगे, और तो और आपकी हार्ट बीट भी तेज होगी, तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी अच्छे तरीके से काम करेगा। तो आप एक काम करें ना, जब यानी फिर डॉक्टर ने बोला कि इन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर द फंक्शंस, द प्रोसेसेस, द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड, ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो कहने लगा कि दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड हार्ट बीट will supply more and more oxygen and food to the muscles. तो जिम जाने से बेहतर है आप आधा घंटा किसी ग्राउंड में जाकर वॉक किया करें, तो पूरे जिस्म की कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज होगी, पूरे जिस्म की कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज होगी। तो जनाब इस तरीके से विच द नीड फॉर कॉन्टिन्यूस वर्क, तो बताने का यह मकसद था कि एक इंडिविजुअल यानी कि मैं, अगर मैं इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो याद रखें जिन जिन ऑर्गन सिस्टम्स की इस टाइम जरूरत है वो सारे ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से
काम करेंगे। तो एक इंडिविजुअल का जो फंक्शन है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है, वो असल में मौजूद उसके ऑर्गन सिस्टम्स का फंक्शन इकट्ठा कर दिया जाए, अगर ऑर्गन सिस्टम्स का फंक्शन तो उस इंडिविजुअल का फंक्शन बन जाता है। अब मेरा बेटा नेक्स्ट लेवल हमारा आया, और वो नेक्स्ट लेवल है कि जब एक जैसे स्पीशीज के इंडिविजुअल्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, ओ गॉड, तो जब आप सारी बेटियां स्कूल आती हैं तो आप सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो मेरे बच्चों, जब तमाम ऑर्गेनिजम्स, जब तमाम ऑर्गेनिजम्स मेरे मुंह से निकला, जब एक ही स्पीशीज के तमाम ऑर्गेनिजम्स, जब एक ही स्पीशीज के तमाम ऑर्गेनिजम्स एक साथ किसी जगह पर रहें, याद रखें, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज इन द सेम हैबिटेट एट द सेम टाइम। हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह को। अगर किसी हैबिटेट में, अगर किसी हैबिटेट में एक जैसी स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में इकट्ठे हो जाएं, तो वो बनाते हैं पॉपुलेशन। तो वो क्या बनाते हैं बेटा? पॉपुलेशन। तो सुनिए, पॉइंट नंबर टू पहले पढ़ लेते हैं। अ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, पहली शर्त कि वो ग्रुप उन ऑर्गेनिजम्स का हो जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हो। दूसरी शर्त, लोकेटेड एट द सेम प्लेस। मैं प्लेस को हैबिटेट बोल रहा था बेटा, एक खास प्लेस को आप हैबिटेट बोलोगे। हैबिटेट इज द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स। तो पहली शर्त क्या है पॉपुलेशन की? पहली शर्त यह है कि ऑर्गेनिजम्स मस्ट बिलोंग टू सेम स्पीशीज। दूसरी शर्त, दीज ऑर्गेनिजम्स शुड बी लोकेटेड एट द सेम प्लेस। और तीसरी शर्त, दे ऑल मस्ट बी प्रेजेंट इन द सेम टाइम। तो उस ग्रुप को पॉपुलेशन बोलोगे। उस ग्रुप को क्या बोलोगे मेरे बच्चों? पॉपुलेशन। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखते हुए, बच्चे पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखते हुए बेटा ये भूल जाएंगे, लोकेटेड एट द सेम प्लेस भूल जाएंगे, इन द सेम टाइम का जिक्र करना भूल जाएंगे, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन, उनकी डेफिनेशन 2 मार्क्स की गलत हो जाएगी। याद रखे, पॉपुलेशन की डेफिनेशन अधूरी है। अगर आप एट द सेम प्लेस और इन द सेम टाइम का जिक्र नहीं करते तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन गलत है। अब मेरे दादा अबू लाहौर में थे, अब वो फौत हो चुके हैं, तो इस वक्त दादा अबू इस टाइम में हमारे साथ नहीं है, लाहौर में नहीं रहते। तो याद रखो, दादा अबू चाहे सेम प्लेस में तो है, लाहौर के कब्रिस्तान में दफन है, लेकिन वो इस सेम वक्त में हमारे साथ नहीं है, तो वो इस पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। इसी तरह अगर किसी बेटी के पापा जो हैं वो बाहर के मुल्क रहते हैं, वो इस टाइम लाहौर में नहीं है, तो वो भी चाहे उनका शनाख्ती कार्ड लाहौर का है, अभी वो बाहर गए हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर चले गए हैं वो इस सेम प्लेस में भी नहीं है और सेम टाइम में भी नहीं है, तो वो पॉपुलेशन में नहीं गिने जाएंगे। तो दोबारा सुन ले, उम्मीद करता हूं आपको याद हो रही होगी साथ साथ, कि पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। खुदारा इसको कंप्लीट लिखिएगा, बच्चा सिर्फ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिखकर घर आकर अम्मी अबू को बताता है कि मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हो गया है, लेकिन पता लगता है कि सिली मिस्टेक्स की वजह से उसके नंबर कटते हैं, और फिर बेचारे बोर्ड के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं वो बच्चे की, जी बोर्ड की पेपर चेकिंग ही नहीं अच्छी, जबकि बोर्ड की पेपर चेकिंग अच्छी होती है, वो बारीकियां पकड़ते हैं मेरा बेटा। तो अच्छा स्टूडेंट बारीकियों पर ध्यान देता है,
अक्सर औकात बच्चे और टीचर्स मुझे कहते हैं सर आप लाइन टू लाइन क्यों पढ़ाते हैं, तो लाइन टू लाइन पढ़ाने का मकसद ही यही है कि बेटा हम बारीकियों को समझ सकें और पेपर में कम से कम गलतियां हमारी हो सकें। मेरे मैं जिन टीचर से पढ़ा हूँ वो बहुत अच्छे लेक्चरर्स हैं, बहुत अच्छा समझाते थे, लेकिन उर्दू में समझाते थे और जब मैं घर जाकर किताब खोलता था उसकी इंग्लिश मेरे पल्ले नहीं थी पढ़ती, तो मैं रोना शुरू हो जाता था कि यार ये तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया हुआ, जबकि सेंट्रल आइडिया मेरे पास होता था। तो बेटा इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूं ताकि आप अपनी किताब को एक्सप्लोर करें। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010, देखा यहाँ डेट बताई गई, इधर ईयर बताया गया है, दैट इज सेम टाइम, तो हमने टाइम को फॉलो कर लिया। उसके बाद हमने प्लेस को भी पकड़ लिया पाकिस्तान, तो इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम उस वक्त लोग कितने थे पाकिस्तान में, देवर 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स थे। तो यहां पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ इतना फिगर नहीं है बेटा, पॉपुलेशन के साथ फिगर तो देखा ही जाएगा लेकिन साथ साथ आपको टाइम और साथ साथ आपको प्लेस का भी जिक्र करना जरूरी होगा। तो जब जब आप पॉपुलेशन किसी जगह की बताएं तो आपको जगह मेंशन करनी होगी, आपको टाइम मेंशन करना होगा। अकॉर्डिंग टू दी मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन, जो कि हमारा एक इदारा है जो मर्दमशुमारी कराता है, जो सेंसुअस कराता है और लोगों को गिनता है, पॉपुलेशन गिन लेता है और रिकॉर्ड कर लेता है कि जी फलाने टाइम पर फलाने एरिया में इतने लोग थे, ठीक। तो ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है। अच्छा बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको एमसीक्यू आएगा कि इन पाकिस्तान इन 2010 आज से 10 साल पहले कितने इंडिविजुअल थे पाकिस्तान में, तो आपने टिक मार्क करना होगा 173.5 मिलियन पर। अब आ जाए स्पीशीज की डेफिनेशन, स्पीशीज की डेफिनेशन, व्हाट इज स्पीशीज? अ स्पीशीज इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मैंने अपने सर से पूछा, मैंने कहा सर जी एक बात नहीं समझ में लगी, कहने लगे वो क्या, मैंने कहा ये एक फूल है, ये फूल फर्ज कर लें कि मैंगो ट्री का है, कहने लगे हाँ, मैंने कहा तो इस पर एप्पल ट्री से एप्पल का पॉलन ग्रेन आता होगा, वो तो हवा में होगा तो एप्पल का पॉलन ग्रेन आता होगा, कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा अगर वो एप्पल का पॉलन ग्रेन आता है मैंगो फ्लावर पर, तो अगर एप्पल का स्पर्म जाकर मैंगो के एग के साथ फर्टिलाइज हो जाए तो सर हमारे पास एक नया फ्रूट बन सकता है जो फ्रूट आधा एप्पल और आधा मैंगो जैसा होगा। तो मेरे सर हंस पड़े, मैं कहा सर आप हंसे क्यों हैं, कहने लगे भाई एप्पल का स्पर्म मैंगो के एग पर असर नहीं करता। मैंने कहा अच्छा एप्पल का स्पर्म मैंगो के एग पर असर नहीं करता, कहने लगा हाँ भाई एप्पल का स्पर्म सिर्फ एप्पल के एग से फर्टिलाइज हो सकता है और फर्टिलाइज्ड एग सिर्फ एप्पल ही को जन्म दे सकता है। मैं कह सर ऐसा एनिमल्स में भी होता है, कहने लगे हाँ इंसान का स्पर्म सिर्फ इंसान औरत के एग पर असरदार है, इसी तरह मेल हॉर्स का स्पर्म नेचुरली सिर्फ फीमेल हॉर्स के एग पर असर करता है। मैं कह अच्छा सर इसका मतलब कि सिर्फ मेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, कहने लगे हाँ ऐसे ग्रुप को जो आपस में नेचुरली ब्रीडिंग कर सकें, नेचुरली अल्लाह की जानिब से जो ब्रीडिंग कर सकें उन इंडिविजुअल्स का ग्रुप स्पीशीज कहलाता है। मैं कह वेरी गुड सर इसका मतलब ये हुआ कि मेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज, कहने लगे बिल्कुल सही। मैं कह इसी तरह एप्पल का स्पर्म और इसी तरह एप्पल एक अलग स्पीशीज है, मैंगो एक अलग स्पीशीज है,
डॉग्स एक अलग स्पीशीज हैं, कैट्स एक अलग स्पीशीज हैं, तो स्पीशीज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जिनके स्पर्म एग के साथ रिएक्ट करके, एग के साथ मिलकर फ्यूज होकर, जिनके स्पर्म्स और एग्स आपस में मिलकर फर्टिलाइज्ड एग बना सके, और उस जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से जो बच्चा पैदा हो वो बच्चा मजीद स्पर्म और एग बनाने का अहलियत रखता हो, वो बच्चा स्पर्म और एग बना सकता हो। तो बेटा जो औलाद, जिस औलाद में स्पर्म और एग बन सकते हो वो बांझ ना हो, उसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बोलेंगे। अब यहां फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का जिक्र आया क्यों, तो सुनो, इंसान मेल हॉर्स का, सॉरी मेल डोंकी का क्रॉस अगर फीमेल हॉर्स के साथ करा दे, ओ गॉड, मेल डोंकी अलग स्पीशीज और फीमेल हॉर्स अलग स्पीशीज, अगर वो क्रॉस करवा दे, क्रॉस से मुराद के उसके स्पर्म को उसके एग तक पहुंचा दे, तो बेटा ये नेचुरली कभी भी नहीं होगा। नेचुरली कभी भी मेल डोंकी फीमेल हॉर्स के साथ क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन अगर इंसान करवा दे, इसको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बोलेंगे, तो हो सकता है कि मेल डोंकी का स्पर्म फीमेल हॉर्स के एग के साथ जायगोट बना दे, फीमेल हॉर्स के पेट के अंदर वो जायगोट एम्ब्रियो भी बन जाए और एम्ब्रियो से बेबी भी बन जाए। लेकिन जब वो बेबी पैदा होगा ना बेटा, तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कभी भी नहीं होगा। याद रखो, अगर टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की आप ब्रीडिंग करवा भी दो, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, जो औलाद पैदा होगी, वो हमेशा इनफर्टाइल होगी, वो कभी भी फर्टाइल नहीं होगी, वो कभी भी फर्टाइल नहीं होगी। तो जी हां, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस से पैदा होता है म्यूल, म्यूल जिसे हम खच्चर कहते हैं, म्यूल जिसे हम खच्चर कहते हैं। तो वो जो खच्चर है, वो खच्चर इनफर्टाइल होता है, खच्चर आगे से कभी भी स्पर्म्स और एग्स नहीं बना सकता। उम्मीद करता हूं स्पीशीज की डेफिनेशन आपको आ गई होगी। So species is defined as a group of organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offspring. Habitat. Habitat means the area of the environment in which organism lives. In which organism lives. So that place where organism lives is called habitat. बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन से डिफाइन स्पीशीज एंड डिफाइन हैबिटेट, इस पर निशान लगाएं। बेटा अपने माइक्स को म्यूट रखें प्लीज, अगर आपने आपस में बातें करनी है तो पता ये लगा कि हैबिटेट मींस द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स। अगला आया जनाब कम्युनिटी लेवल, कौन सा लेवल बेटा? जी बेटे, डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज एंड हैबिटेट आ सकता है? आ जाता है बेटा, आपको दोनों की अलग अलग डेफिनेशन लिखनी होंगी। ओके जी सर, थैंक यू। ले मेरे बच्चे, लेक्चर खत्म होने में 5 मिनट बाकी हैं, तो मेरा ख्याल है कम्युनिटी लेवल हम कर लेंगे, इजी सा है, या चले कर लेते हैं। अब कम्युनिटी इज द असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, तो मेरे बच्चों अब कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी एक असेंबलेज है, ये देखें तो डिफरेंट पॉपुलेशंस अब आपस में इकट्ठी बैठी हुई है। इसमें दरख्त भी हैं, इसमें घास भी है, इसमें लायंस भी बैठे हुए हैं, इसमें कोई बफलोज भी हैं, इसमें ज़ीब्रास भी हैं, इसमें डियर्स भी हैं, और तो और एक वल्चर भी बैठी हुई, दैट इज बर्ड्स भी हैं। तो व्हेन डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में रहेंगी, तो वो एक कम्युनिटी बना देंगी। एक कम्युनिटी में ये पॉपुलेशंस आपस में इंटरैक्ट करती हैं, दे इंटरैक्ट विद वन अनदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट में ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। अब इंटरैक्ट क्या करेंगी कि ये जो शेर है,
शेर प्रीडेशन करके प्रीडेटर्स बनकर शिकारी बनकर इनका शिकार करके इनको खा लेंगे, या डेड बॉडीज को वल्चर्स आकर खा लेंगी। तो बेटा ये आपस में म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म एक दूसरे के साथ प्रीडेशन कंपटीशन करते रहेंगे तो एक कम्युनिटी में ठीक ठाक इंटरेक्शन होता है, ठीक ठाक इंटरेक्शन होता है। ले जनाब एक फॉरेस्ट, अभी जो मैं फोटो दिखा रहा था वो फॉरेस्ट ही की थी। अ फॉरेस्ट में बी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी, इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज इकट्ठी है। तो पता ये लगा कम्युनिटीज आर द कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड द अदर्स में डिक्रीज। तो बेटा कभी कभी होता है, मैंने एक शेर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब क्या खाओगे आज? कहने लगे आज हम जीबरा का शिकार करेंगे। और मैं क्या तुसी तो सारे जीबरा मुका देते ने, तो जीबरा तो हूं एक भी नहीं नजर आ रहा। कहना तो फिर क्यों आया, हिरन खा लांगे। तो पता ये लगा कि कम्युनिटीज में कभी एक पॉपुलेशन में कमी तो कभी दूसरी पॉपुलेशन में बढ़ती रहती है। इट्स ओके, किसी वक्त गर्मी इतनी पड़ती है कि जो नाजुक एनिमल्स होते हैं वो बेचारे मर जाते हैं और जो ढीट एनिमल्स होते हैं वो जिंदा रह जाते हैं। तो ये चलता रहता है। तो पता लगा कि सम कम्युनिटीज आर कॉम्प्लेक्स। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नेम द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज। तो सम कम्युनिटीज आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से मुराद जिनमें ढेर सारी पॉपुलेशन हो। एग्जाम्पल फॉरेस्ट कम्युनिटी या पॉन्ड कम्युनिटी जिनमें ढेर सारी पॉपुलेशन है। इन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज में अगर एक पॉपुलेशन कम हो जाए और दूसरी बढ़ जाए तो इट्स ओके, सिलसिले चलते रहते हैं। लेकिन बेटा सम कम्युनिटीज मे बी वेरी मच सिंपल, सम कम्युनिटीज मे बी वेरी मच सिंपल। एग्जाम्पल एक दरख्त का गिरा हुआ तना जिसके अंदर सबसे पहले एक प्रोड्यूसर उगा, एक छोटा सा प्लांट उग गया, उस प्लांट को खाने वाला हर्बीवोर आ गया, उस हर्बीवोर को खाने वाला कार्निवोर आ गया, और उस कार्निवोर को मजीद खाने वाला कोई दूसरा कार्निवोर आ गया जिसको टॉप कार्निवोर बोलते हैं। तो उसमें चंद स्पीशीज होती हैं, चंद पॉपुलेशन। इसमें इन सिंपल कम्युनिटी, इन सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन कम होती हैं। अब अगर इस दौरान अगर मैं प्रोड्यूसर को मार दूं यानी कि प्लांट को मार दूं तो प्लांट को खाने वाला जो हर्बीवोर होगा वो भी मर जाएगा, हर्बीवोर को खाने वाला कार्निवोर वो भी मर जाएगा। तो पता ये लगा सो एनी चेंज इन द बायोटिक या एबायोटिक, एबायोटिक मतलब टेम्परेचर वगैरह, कुछ भी कोई चेंज आई बायोटिक से मराद जैसे मैंने अभी हर्बीवोर को मारा या मैंने प्रोड्यूसर को मार दिया, any change in biotic या abiotic factors may have drastic tabahkun and long lasting effects, long lasting effects से मुराद देर पर रहने वाले असरात रहेंगे। biosphere level इंशाल्लाह ताला कल करके, तो उसके बाद हम फिर levels of cellular organization में अपना अगला topic start करेंगे अगले lecture में। ठीक मेरा बच्चा, किसी ने कुछ पूछना हो बेटा तो पूछ लीजिए।